अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉम्स किचन। ये है भिंडी गोश्त का खट्टा। ये बहुत ही जल्द बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है। चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम्स भिंडी, दो प्याज कटे हुए मीडियम साइज के, एक कप ड्राई कोकोनट, ये लेमन साइज जितनी इमली है, दो टमाटर बड़े साइज वाले, दो हरी मिर्च, थोड़ा कड़ी पत्ता और थोड़ा हरा धनिया। ये 250 ग्राम्स चिकन है, इसके पीसेस कट कर लेंगे और इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको अगर हड्डी वाला गोश्त पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। कुकर में ऐड करेंगे ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट्स इसे फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। अब ऐड करेंगे हरी मिर्च और चिकन के पीसेस। चिकन के पीसेस देखिए मीडियम कट किया हुआ है हमने। अब ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, आधा टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक। इसे मिक्स कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 to 8 मिनट्स इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इसका लिड भी लगा सकते हैं। देखिए इसे फ्राई करने से इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। इसे सॉटे कर लेंगे और अब ऐड करेंगे वाटर। 1 ग्लास वाटर का ऐड करने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसका लिड लगाकर 5 विजल्स आने तक इसे कुक कर लेंगे। ये देखिए लिड को हटा लिया है। इसमें ऐड करेंगे अब भिंडी। भिंडी को ऐड करने के बाद इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हाई फ्लेम में इसे 2 मिनट्स पका लेंगे और इसका लिड लगाएंगे। लिड लगाकर इसे 2 विजल्स आने तक कुक कर लेना है। ये देखिए भिंडी एकदम सॉफ्ट हो चुकी है और गोश्त भी गल चुका है। अब ऐड करेंगे ड्राई कोकोनट पाउडर, थोड़ा हरा धनिया और कड़ी पत्ता। आप चाहे तो इसमें कोकोनट पेस्ट का भी ऐड कर सकते हैं। ये इमली हमने अच्छे से स्क्वीज करके रखा था ना, वो भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे चेक करना है इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी है, थिक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। हमें खट्टे का जो कंसिस्टेंसी है वो फ्लोई होना चाहिए और आधा टीस्पून नमक। अब 1 टीस्पून जीरे को अच्छे से क्रश कर इसमें ऐड करेंगे। मैं खट्टे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, मतलब कुछ लोग टैंगी फ्लेवर से दूर रहते हैं, वैसे ही मैं भी खट्टा नहीं खाती। पर मैं ये देखने के बाद मैंने ट्राई किया था और दूसरे दिन भी मैंने ये खाया है। इसे 5 मिनट्स हाई फ्लेम पर पका लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको नॉनवेज नहीं पसंद है तो आप चिकन को स्किप कर भिंडी का खट्टा बना सकते हैं ऐसे ही। इसे ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मॉम्स किचन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।